राजा साहब जैसा कि समिति का आदेश, समय का अभाव, आप सभी लोग शिवपुराण से कथा सुन रहे हैं। आइए शिवपुराण की एक छोटी सी कथा मैं भी सुनाने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, उसी समय कामदेव सूक्ष्म रूप लेकर के और भगवान भोलेनाथ के कानों में आ जाते हैं और कानों में घुस करके और उनको मोहित करने लग जाते हैं। एकदम से भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट जाती है और कामदेव निकल के बाहर आ जाते हैं। उसी समय जब भगवान भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र से खोल करके जो देखा तो कामदेव भस्म हो जाता है। और यही कथा आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं। क्या कहने हैं, जैसे ही रथी को पता चलता है, अब एक बात का विचार करो कि जैसे भगवान भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र से देखा तो कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं और सामने राठी की ढेरी लगी है। अब विचार इस बात का करो कि कोई यदि अपने प्राण को छोड़ देता है तो सामने लाश को देख करके रोते, लेकिन आज रथी उस रात को देख करके रोने लग जाती। विधाता किसके सहारे रहूंगी, रोऊंगी तो कैसे रहूंगी, यहां तो कुछ भी नहीं है, रोती भी लगती हूं। रथी क्या कहती है, रोती हमारे भाई छोटू मस्कोले जी नादिया घाट वाले आपके ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक बंधन अभिनंदन, तेजी से शुक्रगुजार के। रोती भी लगती है रथी, नैनों से नीर बहाए, हाय विधाता क्या करूं कुछ भी समझना। अब देखिए उस रात के ढेर को देखकर रोती रोती भी लगती क्या होता है। यंग सजन के सब कुछ जल गए, और न जाने कौन सी अशुभ घड़ी थी, और सैया चले गए। I'm
घड़ी थी और सैया चले गए रह गई अकेले रथी कहती है ना अब तो बिदना नली अंगड़ा और कहती हार्दिक वंदन अभिनंदन तेरे से गुजार कहना है आप तो चोरे हीरावाणी और भाई दिलीप चोरे जी हीरावाणी कान कांड पे आशीर्वाद हार्दिक वंदन अभिनंदन तेजी से धुकझार
आदरणीय सम्मानित विशाली मरकाम जी कटिया कोलारी आपके से 51 रुपए का आशीर्वाद दिया। हार्दिक वंदन अभिनंदन तेजी से शुक्रगुजार के रति कहने लगी नाथ और ना जाओ तुम छोड़ के और नैनो से नीर बह दे और हम तो जुदाई में अकेले अल्लाह बन रोला कैसा रिश्ता निभाया अधूरे समय में छोड़कर के चले गए। और देखिए अधूरे समय में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वादा इरादा सब भूल करके चले गए। मतलब की दुनिया को छोड़कर छोड़ गए भरता मतलब की दुनिया को छोड़ कर छोड़ गए भरता रोने लगी अब यादव बाबा की जय बोलो।